आपने लोगों को पार्कों में योगा करते हुए तो खूब देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी को स्विमिंग पूल, तालाब या नदी के अंदर योगा करते हुए देखा है? नहीं? तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत कहानी जिसे देखकर आप भी चकित रह जाएंगे। मैं रोमा हिमानी हूँ। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में अभी एक साल पहले एडमिशन ली हूँ और मेरी उम्र 56 इयर्स है। तो जी, मैंने एमए योगा में एडमिशन लिया है। लखनऊ की 56 साल की रोमा हिमानी ने वाटर योगा की दुनिया में एक अनोखा स्थान बना लिया है। पानी के अंदर जाकर योग के सभी प्रकार को बखूबी करना उनके लिए एक साधारण बात है। खास बात यह है कि योगा के दौरान वह अपनी सांसों को रोके रखती हैं, जो इस कला को और भी अनोखा बनाता है। मैं कर तो बहुत सालों से रही हूँ, पर मुझे सहयोग जो है वो अब मिला है, क्योंकि अब मेरे पास मेरे गुरु हैं डॉक्टर अमरजीत यादव, और मुझे मेरे ईश्वर का सहयोग है और मेरे परिवार का सहयोग है, जो मैं ये सब कर पाने में समर्थ हूँ। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ खास अचीव किया है जीवन में। एक गृहिणी हूँ मैं मात्र। नहीं, मैंने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली, वो भीतर की प्रेरणा से मैंने उसको स्टार्ट किया और बस होने लगा। नहीं, मैंने कहा ना कि मैं जैसे स्विमिंग करने आई तो मुझे लगा कि शायद मैं अगर वाटर योगा कर रही हूँ, एक्वा योगा कर रही हूँ, तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो इसी तरीके से जब मैंने किया कि मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि योग में हमें सबसे ज़्यादा आराम मिलता है, तो क्यों ना योग किया जाए। और जब योग किया जाए तो वाटर योगा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आराम देता था, तो मैंने उसी की प्रैक्टिस की। रोमा हिमानी लंबे समय से स्विमिंग करती थी, लेकिन वाटर योगा की सही ट्रेनिंग उन्होंने अपने गुरु अमरजीत यादव से ली। यही वजह है कि वह बिना किसी दिक्कत के पानी के अंदर योग के सभी प्रकार कर लेती हैं। लोकल 18 के लिए लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मैं स्विमिंग काफी सालों से कर रही हूं और वाटर योगा भी मैं करती रही हूं, पर अब मैं कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही हूँ इस पे और चाहती हूँ कि ये विश्व स्तर पर काम करे, क्योंकि लोग इस तरफ जागरूक नहीं हैं। तो हमारी जो परंपरा है, वैदिक परंपरा है, जो हमारी घेरण संहिता में जिसका जिक्र है, वो पूरे विश्व में बात जाए। मैंने इस विषय में कभी कार्य करने की कोशिश नहीं की कि मैं इसको डेमोंस्ट्रेशन करूं, वो तो हमारे सर की प्रेरणा थी, विश्वविद्यालय का सहयोग था, तो सोचा कि चलिए कर लेते हैं। मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं एक मात्र साधारण सी गृहिणी हूँ। जी, मेरा परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार है और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। जी, मेरे मॉम डैड तो अब नहीं रहे, मैं खुद 56 इयर्स की हूँ, तो मेरे मॉम डैड नहीं है। मेरे हस्बैंड ने बहुत कोऑपरेट किया है मुझे, और मैं यही चाहती हूँ कि हर औरत जो गृहिणी है उसको उपेक्षित भाव से न देखा जाए, इसलिए क्योंकि गृहिणी जिस जो अपने घर में जो है जो भी आता है उसको वेलकम करने के लिए पावदान की तरह बिछ जाती है और एक तरीके से बाहर की धूल को जो है अपने भीतर समेट लेती है, लेकिन उसमें इतनी क्षमता भी होती है कि वो उस मिट्टी से, उस मैल से जो है वो दुर्गा की तरह एक गणेश को जन्म दे सके। तो इस चीज़ का ध्यान अगर जो है हमारा समाज रखेगा कि गृहिणी को उपेक्षित भाव से न देखे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप कितने आसन कर सकती हैं? मैं जितने भी आसन वाटर पे रह के किए जा सकते हैं, मैं सभी आसन कर सकती हूँ, और डेफिनेटली पानी और हवा दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो पानी के ऊपर नहीं आया जा सकता। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ शरीर के बाहर निकालूं अंग, जैसे मैं हाथों को निकालने की या थोड़ा पैरों को भी निकालने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा मैं अंडर वाटर भी करती हूँ और एरियल योगा भी करती हूँ। जी, डेफिनेटली अंडर वाटर है तो आपको सांस तो रोकनी ही पड़ेगी ना। जी, ये तो डिपेंड करता है कि हमें कितना बड़ा योगासन करना है, या मान लीजिए कि हमारा शूट है तो उसके लिए हम और भी देर रुकते हैं पानी में, तो इस तरीके से हम उसको करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे दिक्कत नहीं हो, बाकी तो ईश्वर की मर्जी है जितनी देर रुका दे। जी, मैं लखनऊ से ही हूँ।